दोस्तों स्वागत है आप लोगों का मेरे इस चैनल पे। आज मैं आप लोगों को स्टेप बाय स्टेप ब्लीच करना सिखाऊंगी प्रैक्टिकली रियल क्लाइंट के ऊपर। आप लोग इस चीज़ को बड़े ध्यान से देखिएगा। बहुत सारे आप लोगों के ब्लीच को लेके क्वेश्चंस होते हैं, तो आज आपको इस वीडियो में सारे क्वेश्चंस के आंसर्स मिल जाएंगे। सबसे पहले क्लिंजिंग मिल्क हमको चाहिए होता है। आपको ये जानना ज़रूरी है कि ब्लीच करने से पहले आप लोगों को क्या क्या चीज़ें चाहिए। तो मैंने आपको बताया क्लिंजिंग मिल्क, और आपको इस तरीके का एक प्लास्टिक बाउल लेना चाहिए। मेटल का या स्टील का बाउल नहीं चलेगा ब्लीच जब भी आप यूज़ कर रहे हैं। उसके बाद अभी इस तरीके का एक ब्रश ले लीजिए, फेशियल स्पंज ले लीजिए, और इस तरीके का हेयर बैंड ले लीजिए जिससे कि बाल बार बार बीच में डिस्टर्ब ना करें ब्लीच करते समय। और ऑफ कोर्स वाटरफॉल मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, ब्लीच हमको लेना बहुत ज़रूरी है। या मैं आपको ऑक्सीलाइफ की ब्लीच दिखा रही हूँ क्योंकि ये सेंसिटिव स्किन के लिए और हर टाइप के स्किन के लिए बहुत अच्छी ब्लीच होती है। इसमें प्री एंड पोस्ट आता है, इसको कैसे हम अप्लाई करेंगे ये सारी चीज़ें मैं आपको अभी वीडियो में दिखाऊंगी आगे। तो आप चाहे तो कोई और भी ब्लीच ले सकते हैं, लेकिन ये मुझे सबसे अच्छी बेस्ट लगती है, इसलिए मैंने आपको यहाँ पर दिखाई है। तो सबसे पहला जो हमारा काम होता है जब हम फिर ब्लीच करना स्टार्ट करते हैं दोस्तों, सबसे पहले आपको क्लाइंट के फेस को अच्छे से क्लीन करना होता है। मैं आपको मसाज के स्ट्रोक्स ऑलरेडी बता चुकी हूँ, इसलिए मैं यहाँ पे आपको स्ट्रोक्स नहीं बताऊँगी, लेकिन आपको 5 मिनट्स तक सर्कुलर मोशन में अपलिफ्ट करते हुए अच्छे से क्लिंजिंग लोशन की हेल्प से अच्छे से फेस को क्लीन कर लेना है। तो जितना भी पॉल्यूशन होगा, बाहर का डस्ट होगा, वो स्किन में से हट जाएगा। उसके बाद आप ब्लीच क्रीम को बनाएंगे। जो ब्लीच क्रीम को आप लोग जब बनाएंगे दोस्तों, थोड़ी सी आज आप लोगों को मेरी आवाज़ सही नहीं लग रही होगी क्योंकि आज आई एम नॉट वेल टुडे, मेरे को थोड़ा सा थ्रोट इन्फेक्शन हो गया है, इसलिए मे बी आपको थोड़ी सी आवाज़ मेरी सही नहीं लग रही होगी, लेकिन आप लोगों की क्लासेस मिस नहीं होनी चाहिए इसलिए मैं ये वीडियो आप लोगों के लिए लेकर के आई हूँ। तो चलिए मैं आपको बता रही थी कि ये ब्लीच कैसे बनाते हैं। ब्लीच को बनाने के लिए आप 1 स्पून ले लीजिए, 1 टीस्पून आप ले लीजिए, छोटा सा स्पून एक क्रीम ले लेंगे। उसके बाद आप एक्टिवेटर जो होगा वो 1 चुटकी भर एक्टिवेटर डालेंगे। याद रखिए कि जितना भी आप क्रीम ले रहे हैं उसका आपको बिल्कुल 0.5% एक्टिवेटर डालना है। दोस्तों एक्टिवेटर हर किसी की स्किन पर अच्छे से काम, मतलब कहना चाहिए कि हर किसी की स्किन इतनी ज़्यादा फेस की स्किन, एक्चुअली मैं को ऐसे बोलना चाहिए कि फेस की स्किन सेंसिटिव होती है, तो हमें एक्टिवेटर बहुत ही कम डालना चाहिए। अब आपने देखा कि मैंने बिल्कुल चुटकी भर एक्टिवेटर डाला है ब्लीच क्रीम में। उसके बाद आप इसको ब्रश की हेल्प से अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ब्लीच को मिक्स करना भी बहुत इम्पोर्टेंट होता है गाइज। तो ब्लीच के बाद इसको अच्छे से ब्लेंड करने के बाद, यानी कि मिक्स करने के बाद आप क्लीन फेस पर लगाएंगे ब्रश की हेल्प से। आप कभी भी ऐसा मत करना कि आपके पास ब्रश नहीं है तो आप फिंगर्स के हेल्प से लगा रहे हैं, क्योंकि फिंगर्स में भी इन्फेक्शन होता है, बैक्टीरियाज होते हैं। आपने देखा कि मैं कुछ लगा रही थी फेस पर, ये है ऑक्सीलाइफ की प्री, यानी कि ब्लीच करने से पहले जो हम क्रीम को अप्लाई करेंगे। उसके बाद जो मैंने मिक्सर बनाया है ब्लीच का मिक्सर, वो हम आप फेस पर लगाना स्टार्ट करेंगे। दोस्तों ब्लीच जो होती है बहुत ज़्यादा भी नहीं लगाना है हमको फेस पर, और बहुत कम भी नहीं लगाना है। जिस तरीके से आप वीडियो में देख रहे हैं सेम इसी तरीके से, इसी क्वांटिटी में, इसी बिल्कुल इसी तरीके से आपको लगाना है। अगर आपके क्लाइंट की स्किन सेंसिटिव है तो आप प्री ज़रूर लगाइए, यानी कि ब्लीच करने से पहले जो क्रीम लगाते हैं वो। और अगर आप ऑक्सीलाइफ की क्रीम यूज़ नहीं कर रहे हैं, ऑक्सीलाइफ की ब्लीच यूज़ नहीं कर रहे हैं, तो आप अगर आपके पास प्री नहीं है तो आप विटामिन ई के कैप्सूल्स जो आते हैं मार्केट में मिलते हैं वो आप पहले फेस पर लगा दीजिए, उसके बाद आप ब्लीच को लगाइए। अगर आपके क्लाइंट की स्किन कहीं से जली हुई है या फिर कहीं उसके चोट लग गई है फेस पर, और बिल्कुल ताज़ा चोट है, तो बिल्कुल भी उस जगह को जगह पर ब्लीच मत लगाइएगा, अदरवाइज़ उनके स्किन पर जलने लगेगा और वो स्पॉट रह जाएगा। तो ये ज़रा देख कर के आप करिएगा जब भी ब्लीच। आफ्टर 10 मिनट्स मैं ब्लीच को हटा लूँगी। बहुत ज़्यादा देर तक हमें 10 से 15 मिनट तक ही हमें ब्लीच को लगाना चाहिए फेस पर, इससे ज़्यादा हमें बिल्कुल भी नहीं लगाना चाहिए फेस पर। दोस्तों ये था आज का पूरा वीडियो। आई रियली होप आपको समझ आया होगा स्टेप बाय स्टेप कि ब्लीच हमें कैसे करना चाहिए, हमारे ब्लीच करते समय हमारे पास क्या क्या होना चाहिए। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर करिएगा, शेयर करिएगा फ्रेंड्स फैमिली के साथ, और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा ऐसे ही अच्छे अच्छे वीडियोज़ देखने के लिए और मुझसे फ्री में पार्लर का कोर्स सीखने के लिए। थैंक यू सो वेरी मच फॉर वॉचिंग गाइज। बाय बाय, टेक केयर।